हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है खुशी। इंसान खुशी अपनी कहाँ ढूंढता है और कहाँ उसको खुशी मिलती है, ये सोचने की बात है। कई बार इंसान अपनी खुशी दूसरों में देखता है कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसी में ही अपनी खुशी को मानता है। मान लीजिए आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए, बहुत खुशी खुशी, अगर उसको पसंद आ गया तो वो एक स्माइल देगा और खुश होगा, कहेगा कि हाँ आपका गिफ्ट मुझे अच्छा लगा। मान लीजिए उसको वही गिफ्ट नहीं पसंद आया तो वो सैडनेस हो जाएगी या मुँह चिढ़ा देगा, तो उसमें आप दुखी हो जाएंगे कि भाई उसको मेरा दिया हुआ गिफ्ट पसंद नहीं आया। तो इससे आप दुखी होकर अपनी खुशी को चेंज कर लेंगे कि दूसरे को मेरी चीज देने से खुशी नहीं हुई। तो आप दुखी ना हो, यह ना सोचें कि उसको ये चीज पसंद नहीं आई तो अब मैं क्या करूं। नहीं, अगर एक्सचेंज ऑफर हो सकती है एक्सचेंज कर दो, या लेके खुद पहन लो या खुद यूज कर लो। उससे दुखी नहीं होना चाहिए, हर एंगल में, हर चीज में अपनी एक खुशी का एंगल ढूंढ लेना चाहिए। दुखी नहीं रहना चाहिए कि भाई इसके बाद क्या होगा, और दूसरे कारण में आप इसी में दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो आप भी दुखी होंगे और दूसरा भी। इसलिए कोशिश करें कि भाई अगर उसको नहीं पता, पसंद नहीं आया, तो दुखी मत हो, उसमें खुशी ढूंढ लें। हमें खुशी अपनों में, अपनों से मिलती है, इसलिए जितने हम अपनों के करीब रहेंगे, दोस्तों के करीब रहेंगे तो खुश रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे, अपनापन रहेगा और एक बॉन्डिंग बनी रहेगी। ईश्वर के साथ जुड़ने से भी इंसान खुश रहता है, क्योंकि हम ईश्वर का ही अंश है, उसी भगवान की ही बनाई हुई सृष्टि में एक हम है, उन्हीं की ज्योत से ही हम बनकर आए हैं, उनसे मिलकर। जैसे कहते हैं ना, इंसान की अपनी, जैसे खाना खाने के बाद इंसान की अपने अंदर की बॉडी की भूख खत्म हो जाती है, जो भूख लगती है, इसी तरह आत्मा की जो भूख होती है वो भगवान के सिमरन से ही पूरी होती है। यदि भगवान से मिलकर उनका सिमरन कर उन्हीं के पास काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे तो इंसान में अपने आप एक खुशी की लहर जुड़ जाएगी। अगर दिन की शुरुआत में ही भगवान का साथ ले लेंगे तो अपने वो में भी प्यार आएगा और उनको देखने का, मिलने का नज़रिया ही बदल जाएगा। एक अंदर अपने आप में एक शांति सी बनी रहेगी, जिससे हर काम में एक संतुष्टि और खुशी अपने आप जुड़ जाएगी। इसलिए खुश रहने के लिए यह नहीं है कि हमें बहुत ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हम खरीद नहीं सकते या जा नहीं सकते, उन्हीं के बारे में सोच कर हम दुखी होंगे तो हमारी खुशी खुशी नहीं रहेगी। जिस चीज़ में जो हमारे पास है उसी में संतोष रख कर, उसी में इंजॉय करके ज़िंदगी को जिएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और प्यारी हो जाएगी। अपने दोस्त अपने साथ होंगे तो ज़िंदगी सरल हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, अगर ऊंचाई में अकेले रह गए तो ज़िंदगी में पाया क्या, अपने ही साथ ना हुए। एक इटली में बताते हैं कि एक रिच था, कोरोना टाइम पे उसके पास इतना पैसा था, उसके सभी दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने जो सब थे, उनकी सबकी डेथ हो गई। एंड में उसने क्या करा, उसके इतने होटल्स और इतने चेन थे, इतने पैसा था उसके पास, पर अपने चले गए। वो छत पे जाकर उसने सबको पैसा फेंक दिया और अपना, और खुद सुसाइड कर लिया। बताओ वो जिंदगी जिंदगी क्या हुई जब अपने साथ ही नहीं हुए और इतना इंसान दुखी हो गया। तो इंसान को पैसे से, घर से, दूसरों से जितना मोह रखेगा तो वो खुशी नहीं है उसमें। अपनों के साथ से ही खुशी है। जब वो अपने साथ होंगे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी, और वो जो सुख मिले हैं या जो कामयाबी मिली है उनमें आपको अपनी ज़िंदगी जीने का एक अलग ही मज़ा होगा। अकेले ज़िंदगी जीने का क्या हल और क्या खुशी। अपने साथ होंगे तो अपनों की खुशी में खुशी ढूंढेंगे तो अपने आप ही खुश रहेंगे।
अपने दोस्त अपने साथ होंगे, अपनों की प्यार से ही सबसे बड़ी खुशी है चीज़ों में, मटेरियलिस्ट चीज़ों में जो है, जो नश्वर है, उनमें प्यार और खुशी नहीं है। चाहे किसी जानवर या किसी, देखो ना, पौधे तक आप प्यार की भावना से उनको पालेंगे, बड़ा करेंगे, तो वो भी फल देते हैं और खुशी मिलती है। इसलिए अपनों से जुड़े रहें, उनमें अपनी खुशी ढूंढें, यही दुआ है मेरी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।